हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो 21 साल बाद त्रिलाश्रम का होगा कायाकल्प। रांची में महात्मा गांधी से जुड़े सर्वोदय आश्रम को पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कुटीर उद्योग के क्रियाकलाप का हब बनेगा। 21 साल बाद एक बार फिर से रांची के धुरवा स्थित त्रिलाश्रम सर्वोदय आश्रम का कायाकल्प होगा। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से जुड़े सर्वोदय आश्रम को संरक्षित कर और विकसित किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि त्रिलाश्रम में संचालित छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान को महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप ढाला जाएगा। इससे कुटीर उद्योग के क्रियाकलापों का हब बनाया जाएगा। वहीं आश्रम को संरक्षित कर यहां पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने का भी कार्य होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार की ओर बढ़ गया बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर। अब झारखंड पर खतरा नहीं, 5 तक हल्की बारिश। 2 दिन तक भारी बारिश होने के बाद बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर प्रदेश बिहार की ओर बढ़ गया है। कल शनिवार को मौसम साफ हो गया, धूप भी खिली रही। हालांकि दिन में कई बार घने बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी कई क्षेत्रों में हुई है। वही आज भी मौसम के मिजाज ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। अब धनबाद समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश का खतरा नहीं है। 5 अक्टूबर तक कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर अब बिहार की ओर बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक। राज्य भर में 4 अक्टूबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य दिवस तक चलेगा। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार को लेकर शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें मनोचिकित्सक जिलों में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के पहले दिन CIP कांके और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के द्वारा तनाव प्रबंधन पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 86 प्रोफेसर व 83 एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अनुबंध पर होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 169 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिकित्सा शिक्षकों की यह सभी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने शनिवार को इस बाबत विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके तहत धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पलामू व हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेजों के 23 विभागों में प्रोफेसर के 86 व एसोसिएट प्रोफेसर के 83 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए 9 व 10 अक्टूबर को रिम्स के प्रशासनिक भवन में सुबह 11 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.jharkhand.gov.in के अंतर्गत रिक्रूटमेंट पर दिए गए आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएं भरकर सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभि प्रमाणित छाया प्रति के साथ वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3 लाख परिवार जल्द आयुष्मान योजना में होंगे शामिल। झारखंड के 3 लाख परिवारों को जल्द ही आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया जाएगा। फिलहाल 57 लाख परिवारों को राज्य में इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा सरकार एक प्रोजेक्ट भी तैयार कर रही है, जिसमें अभी जिन बीमारियों का इलाज आयुष्मान के तहत नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह बातें झारखंड के विकास आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कही है। वह रांची के एक निजी होटल में झारखंड बिहार एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्लास्टिक सर्जन शामिल हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बोकारो में 44 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के बोकारो में 44 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। जो लोग बोकारो में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने तकनीकी सहायक और खाता सहायक के 40 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक, बीटेक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो ने इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोकारो के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और आवेदन करें। इसके लिए आप bokaro.nic.in पर जा सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करो तो 2200 सहायक पुलिसकर्मियों ने बदला सीएम का कार्यक्रम स्थल। मोराबादी मैदान की जगह तिरिल सर्वोदय आश्रम में आयोजित हुई गांधी जयंती कार्यक्रम छावनी में तब्दील हुआ ग्राउंड। रांची के मोराबादी मैदान में पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के कारण इस बार गांधी जयंती का कार्यक्रम स्थल बदल गया। पिछले कुछ वर्षों से सीएम और राज्यपाल लगातार मोराबादी मैदान स्थित जो है गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे। इस बार यह कार्यक्रम धुरवा स्थित छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान सर्वोदय आश्रम में आयोजित किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली थी कि अगर सीएम मोराबादी मैदान आते हैं तब जो सहायक पुलिसकर्मी उन पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं या काला झंडा दिखाकर उनका विरोध कर सकते हैं। रघुवर दास के कार्यकाल में स्थापना दिवस पर नाराज पारा शिक्षकों ने कार्यक्रम के बीच में सीएम को काला झंडा दिखाकर विरोध किया था। अगली बड़ी खबर की बात करो तो लातेहार नक्सली हमले की हुई समीक्षा, जेजेएमपी के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। मंगलवार को लातेहार में सुरक्षा बलों और जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी को मार गिराया गया था। इसे लेकर शनिवार को टेंडर ग्राम स्थित झारखंड जगुआर कैंप में समीक्षा बैठक हुई। आईजी अभियान अमोल होमकर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और अभियान के दौरान किस तरह भविष्य में सतर्कता बरती जाए इससे लेकर रणनीति बनाई गई है। इस मुठभेड़ की घटना के बाद लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, इससे लेकर ही यह समीक्षा बैठक की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो तीरंदाजी और हॉकी की प्रतिभाओं को उभारने का होगा हर संभव प्रयास, अर्जुन मुंडा। झारखंड में तीरंदाजी और हॉकी की अपार संभावनाएं हैं। इन खेलों की प्रतिभाओं को उभारने का हर संभव प्रयास हो रहा है। इन खेलों में थोड़ा सा पुशबैक मिले तो प्रतिभाएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह बातें भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष तथा केंद्रीय अर्जुन मुंडा ने 40वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए कही है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने राजभवन के समक्ष दिया धरना। वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों ने गांधी जयंती के दौरान राजभवन के सामने एक दिवसीय महाधरना दिया। महाधरना के बाद राज्यपाल को शिक्षा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। मोर्चा का स्पष्ट निर्णय है कि अब अनुदान नहीं मात्र एक रुपये ही सही पर सरकारी वेतन चाहिए। अनुदान भीख के समान होता है और यह जो है एडहोक व्यवस्था होनी चाहिए। महाधरना में संस्कृत शिक्षक पीला वस्त्र और मदरसा शिक्षक टोपी धारण किए थे। धरना में सभी जिलों के शिक्षकों ने भाग लिया। वित्त रहित शिक्षक और शिक्षा कर्मी नवंबर में शिक्षा मंत्री के आवास का घेरावा करेंगे। नवंबर के अंत में मुख्यमंत्री के आवास का घेरावा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो गिरिडीह में नदी में डूबने से दो की मौत। घर के लिए पानी लाने गए 7 बच्चे अचानक डूबने लगे। स्थानीय की मदद से 6 को बचाया गया। एक शव 5 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। झारखंड के गिरिडीह में शनिवार को एक बुजुर्ग और एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। घटना गांव प्रखंड की है। पहली घटना नागवा सकरी नदी की है जहां शौच करने गए एक अधेड़ की मौत हो गई। वही दूसरी मंजने सकरी नदी की है। यहां 7 बच्चे अपने घर के लिए पानी लाने के लिए नदी गए थे। अचानक सभी नदी में डूबने लगे। शोर सुनकर मौके पर मौजूद सबुद्दीन नाम के शख्स ने छलांग लगाकर 6 बच्चों को बचा लिया जबकि एक नदी की तेज धार में बह गई। बाद में नेहा परवीन नाम की इस बच्ची का शव 5 किलोमीटर दूर बरामद कर लिया गया है। वही दूसरी तरफ बोकारो थर्मल में 3 दिन पहले कोनार नदी के रेलवे पुल में गुरुवार को बहे युवक रमेश राम का शव शनिवार को चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के टीएससी बस्ती के नीचे दामोदर नदी से मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पानी की शुद्धता बताने वाला रथ रांची से रवाना। जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए शनिवार को रांची समन्वयालय से स्वच्छता रथ रवाना किया गया है। उप विकास आयुक्त विशाल सागर और कार्यपालक अभियंता शशि शेखर सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर शुद्ध पेयजल के रख रखाव एवं दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। स्वच्छता रथ में फील्ड टेस्ट किट रखा गया है जिसे संबंधित ग्राम के जल सहिया द्वारा क्लोराइड नाइट्रेट आयरन एवं पीएच आदि की जांच कर ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 13 मोबाइल बरामद। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी जिले के मोहनपुर पत्रोल और पतरड्डा थाना क्षेत्र से हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देवघर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम रंजीत दास, जयकांत महरा, सुभाष दास, मंटू कुमार दास, संजय रवानी, धीरज रवानी और गौतम कुमार है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 5 एटीएम, 2 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो हाई सिक्योरिटी जोन में होगी रांची स्मार्ट सिटी। इन्वेस्टर मीट में झारखंड के नगर विकास सचिव ने गिनाई खूबियां। रांची शहर को एजुकेशन हब एवं मेडिकल हब के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान एवं मेडिकल सेक्टर को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई है। रांची शैक्षणिक राजधानी के रूप में विकसित हो इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थानों के लिए रखी गई है। साथ अभी हाल में ही लॉन्च की गई नई उद्योग नीति के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आकर्षक नीति बनाई गई है। ये बातें झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कही है। वे कल रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा होटल BNR चाणक्य में आयोजित इन्वेस्टर मीट 2021 में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में वाहन जांच के दौरान कार से 75 किलो चांदी बरामद, 3 गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान यहां शनिवार को एक स्विफ्ट डिजायर कार से 75 किलो चांदी बरामद की गई है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी SDPO अनिल सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर दी है। बताया गया कि मुफसिला थाना की पुलिस वाहन जाँच कर रही थी, इसी दौरान उक्त स्विफ्ट डिजायर कार को जाँच के लिए रोका गया। कार में 3 लोग बैठे थे। कार की तलाशी लेने पर छुपा कर रखे गए चांदी के जो है 73 पीस बिस्किट बरामद किए गए हैं। इनका वजन 75 किलोग्राम है। इस दौरान 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि बरामद चांदी की कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पुरानी पेंशन देने में भेदभाव का विरोध होगा। शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश प्रारंभिक शिक्षकों की बैठक DEO कार्यालय परिसर में शनिवार को हुई। शिक्षकों ने एक स्वर में कहा है कि पुरानी पेंशन व शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को गंभीर होना होगा। पुरानी पेंशन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है जिसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन ने कहा है कि 2000 में एक ही विज्ञापन से नियुक्त हुए अधिकांश लोगों को पेंशन प्राप्त है, लेकिन कुछ लोगों को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर तमाम संबंधित भाग और सरकार को जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन जागरूकता रथों को रवाना करते हुए DC बोले, हर घरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। गांधी जयंती एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हजारीबाग समाहरणालय परिसर से पेयजल आपूर्ति योजना के तहत जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद एवं अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार, कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार मुंडारी द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि हर घर में नल का कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा है कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घरों को नल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल देना प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो नकली शराब लदा 407 वाहन जब्त, चालक समेत 2 गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस ने शनिवार की सुबह पिरिटाड़ में नकली शराब लदी बंगाल नंबर के एक 407 माल वाहक को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की है। इस मामले में पुलिस वाहन चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले के ST SC और OBC के विद्यार्थियों को कब मिलेगी छात्रवृत्ति, जाने क्या कहते हैं इस बारे में DC। रांची जिले के 1033 विद्यालयों के आधार से जुड़े 80,181 ST SC और OBC विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इन विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 के तहत PFMS के माध्यम से DPT के द्वारा राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। उक्त निर्णय उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति के बैठक में लिए गए हैं। बैठक में छात्रवृत्ति भुगतान से पहले आयोग पाए जाने वाले विद्यालयों व छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने के लिए परियोजना निदेशक, ITDA व जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य को जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों को लेकर 24% तक बढ़ी दोपहिया वाहनों की मांग, कंपनियां दे रही है कई ऑफर। ऑटो इंडस्ट्री रांची के व्यापारियों के लिए कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले दोपहिया गाड़ियों की मांग में करीब 24% की वृद्धि हुई है। हीरो, सुजुकी, यमहा, TVS, रॉयल एनफील्ड, बजाज के साथ अन्य कंपनियों में त्योहारों को लेकर जबरदस्त बुकिंग चल रही है। मांग में यह उछाल अर्बन के साथ सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसे में सभी कंपनियों को त्योहारी सीजन में बेहतर बिक्री की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर के जानकार कुलदीप आहूजा बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद से लोगों में गाड़ी खरीदने की जरूरत बढ़ी है। ऐसे में लोग चार पहिया गाड़ियों के साथ दो पहिया गाड़ी की भी खरीदारी कर रहे हैं। इससे जो है दिवाली तक बाजार में हलचल देखने को मिलती रहेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन पीएम मोदी ने कहा कि यह गांव और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों या ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि आज़ादी के बाद के 7 दशकों में हर घर जल पहुँचाने के लिए जो काम हुआ था सिर्फ पिछले 2 साल में उससे भी ज़्यादा काम उनकी सरकार ने करके दिखाया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि तत्कालीन नीति निर्माताओं को बिना पानी की जिंदगी के दर्द का एहसास नहीं था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की प्रचुरता में रहने वाले देश के हर नागरिक से पानी बचाने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा है कि इसके लिए निश्चित तौर पर लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी ही हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।